मासूम बाळकी की हत्या की घटना आ बीजो भाग अही लोहीना संबंध लजवाया छे। दीकरा माटे एक परिवारे निर्दोष दीकरी की हत्या करी नाखी छे। आजनी आ घटना में एक जननी जीवलेण साबित थई अने संबंधों कलंकित थई गया। कड़ी कलंकित घटना, 32 दिवस दीकरी की हत्या, परिवार बन्यो घातकी। समाज गमे तेटलो आगळ वधी जाय परंतु आजे पण दीकरीओनी हत्या थती आवी छे। पहला दूध पीती करवामां आवती हती, हवे गळे टूंपो आपवामां आवे छे। कोई फरक नथी, बस नाम अने सरनामा बदलाया छे। काळा कर्म तो तेना तेज छे। फोटोमां जोवा मळती आ छे मिष्टी। आ मिष्टी आजे हयात नथी, तेना ज परिवारे तेनी हत्या करी नाखी छे। माता पिता घातकी, गळे टूंपो आपीने हत्याने अंजाम। पीएम रिपोर्ट में सत्य सामे आव्यु। कड़ीना करणनगर रोड पर राजभूमि फ्लेट में माता पिताए हैवान बनीने एक मास अने बे दिवसनी बाळकीनुं गळुं दबावी मौत ने घाट उतारी दीधी। आ घटना सामे आवता पूरा विस्तार में चकचार मची गई छे। पुत्रनी अपेक्षा राखता दंपति ने त्यां बीजी दीकरीनो जन्म थता माता पिता हैवान बन्या अने दीकरीनी हत्या करी नाखी। त्यारबाद तेमणे दीकरीना मौत ने अकस्मात में खपावानी कोशिश करीने तेने डॉक्टर पासे ले गया हता। जो कि डॉक्टरे गला पर निशान जोता पोलिस ने जाण करी हती। पोलिसे पूरी घटना में पेनल डॉक्टर थी पीएम करावता गले फांसो आपी अने हत्या करी होवानु सामे आव्यु हतु। कोनी कोनी सामे गुनो नोंधायो? कड़ी में बनेली अत्यंत आघातजनक घटना में पुत्रनी अपेक्षा राखता दंपति ने त्यां बीजी दीकरी जन्मता दंपतीए मात्र 32 दिवस नी दीकरी ने मौत ने घाट उतारी दीधी हती। त्यारबाद हत्या ने अकस्मात में खपावानी कोशिश करी हती। जो कि डॉक्टरे सतर्कता बतावीने पोलिस ने जाण करता दंपतीनो भांडो फूटी गयो हतो अने पोलिसे हत्यानो गुनो नोंध्यो छे। पोलिसे माता रीना पटेल, पिता हार्दिक पटेल, दादी नीता पटेल अने दादा उपेन्द्र पटेल सामे फरियाद नोंधी छे। आ चारे शख्सना पापे एक निर्दोष बाळकीए जीव गुमाव्यो छे। સમગ્ર ઘટનામાં બાળકીની હત્યા મામલે દાદા દાદી માતા પિતા સામે ફરિયાદ નોંધવાની સાથે જ વહેલી સવારથી સમગ્ર જિલ્લામાં ઘટનાને લઈ ચકચાર મચી જવા પામી છે। જેના કારણે વહેલી સવારે આ પરિવાર ઘરે જ હતો, परंतु बपोरना समय बाद परिवार कोई ने पण जाण कर्या विना घर ने ताळू मारीने फरार थई गयो हतो। जेथी आ समग्र मामले हाल में पोलीसे कार्यवाही हाथ धरी वधु तपासनो धमधमाट शुरू कर्यो छे। पाप छुपाववा माटे डॉक्टर ने कर्या गुमराह। बनाव वखते घर में चार जण हता। अकस्मात नोंध वखते पूछपरछ थई हती। बाळकीना गळा पर शेना निशान छे आवुं पूछवामां आव्युं हतुं। ते वखते बाळकीनी माताए दावण वखते छांटाथी इन्फेक्शन थयुं छे आवो डॉक्टर अने पोलीसने कह्युं हतुं। जो कि फोरेन्सिक विभागना पेनल डॉक्टरोनो पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आव्यो छे, जेमां गळुं दबावाथी श्वास रूंधाता मौत थयुं होवानुं बहार आवता गुनो नोंधी अने तपास हाथ धराई छे। हत्यारा परिवारनी पूरा महेसाणा जिल्लामां तपास तेज कराई छे। गमे त्यारे धरपकड थशे ते वात नक्की छे। એલર્જીના કારણે કદાચ થયા હશે। ત્યાર પછી પોલીસે એનું પેનલ ડોક્ટરથી પીએમ કરાવેલું અને પીએમના અંતે જે ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ આવ્યું એમાં શ્વાસ રૂંધાવાથી એટલે ગળું દબાવવાથી એનું મોત છે એટલે હત્યાનો ગુનો એના ઉપરથી તપાસની અધિકારી હતા આર આર આહિર ડીવાયએસપી શ્રી મહેસાણાનો એ સરકાર તરફે ફરિયાદ દાખલ કરેલી છે। સર, અત્યારે હાલ આરોપીઓ ઘર લોક મારી નીકળી ગયા છે તો એ સમગ્ર મામલે શું તજવીજ હાથ ધરાશે? હા, આરોપીના નામ જો ફરિયાદ છે અને આરોપીની પોલીસ જેટલું પણ ઝડપથી હવે સુધરો તો સારું, હવે તો હદ થઈ। એક બાજુ સમાજ વિકસિત થયો હોવાની વાત ચાલી રહી છે, જ્યારે બીજી બાજુ માસૂમ દીકરીઓની હત્યા કરવામાં આવી રહી છે। ક્યાં સુધી આવું ચાલશે? પહેલાના યુગ જેવી જ ઘટના આજે પણ ઘટી રહી છે। સભ્ય સમાજ માટે આજની ઘટના લાલબત્તી સમાન છે। કમલેશ રાવલ, વીટીવી ન્યૂઝ, કડી।